डरावनी रातें यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। भूत प्रेत पिशाच और शैतानों की रोमांचक कहानियां आपको इस चैनल पर सुनने को मिलती हैं। अगर आपको ऐसी ही कहानियां सुनना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हेडफोन लगा लें, कमरे की लाइट्स ऑफ कर लें, क्योंकि ये वक्त हो रहा है डरने का। हेलो दोस्तों, मेरा नाम वेलिस है और मैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का रहने वाला हूँ। सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा द मिडनाइट गेम के बारे में। यहाँ पर बहुत बच्चे इस गेम के बारे में बात करते हैं, लेकिन इसे खेलने की हिम्मत किसी की नहीं होती। ये गेम 12 बजे शुरू होती है और कहते हैं अगर इसके नियमों का पालन किया जाए तो रात के अंधेरे में आपका पीछा करने लगता है द मिडनाइट मैन, यानी कि रात का शैतान। वो आपका पीछा करता है और जिसने भी उसे देखा है वो मौत के घाट उतारा गया। बहुत कम बच्चे हैं जो उसे देखकर जिंदा बच पाए हैं। कहते हैं वो आपका पीछा करता ही रहता है जब तक आपको मौत के घाट ना उतार दे, लेकिन 3:33 तक अगर आप बच गए तो ये खेल खत्म हो जाता है। लेकिन 12 बजे से 3:33 तक बचना असंभव के समान होता है। इसे बच्चों की गेम कहा जाता है, बच्चों को डराने वाली गेम। और पेरेंट्स भी कहते हैं रात को जागना मत वरना द मिडनाइट मैन आ जाएगा। स्कूल में भी बच्चे इस पर बहुत ज़्यादा बात करते हैं। यह बात वो सर्दियों की है जब मैं 9 साल का था। घर में अकेला था क्योंकि मेरे चाचा जी का लड़का रस्टिन, जो कि 15 साल का था, मेरे साथ उस रात घर में रुकने वाला था। मेरी रस्टिन के साथ ज़्यादा बनती नहीं थी। रस्टिन ने कह दिया था कि मेरे मम्मी पापा तुम्हारे मम्मी पापा के साथ बाहर कहीं काम पर गए हुए हैं, एक ही तो रात गुजारनी है, इसीलिए मुझे परेशान मत करना, मैं वो किताब पढ़ना चाहूँगा, मुझे परेशान मत करना, अपना जो खेलना चाहते हो खेल सकते हो। मैंने भी रस्टिन को कह दिया था। मेरे 2 दोस्त हैं जो घर पर आना चाहते हैं, कब से कह रहे हैं मेरे घर पर कितनी अच्छी अच्छी गेम्स हैं, वो खेलना चाहते हैं, और मैं उनकी माँ बाप से बात कर चुका हूँ, तुम बस मेरे मम्मी पापा को बताना मत। रस्टिन ने कहा जो करना चाहते हो करो, भाड़ में जाओ, अपने दोस्तों को बुलाओ, पूरी रात मस्ती करना चाहते हो तो मस्ती करो, लेकिन म्यूज़िक की आवाज़ ज़्यादा ऊँची नहीं होनी चाहिए, जब मैं बेड पर चला जाऊँगा मेरी नींद में खलल नहीं पड़ना चाहिए। मैंने सर हिला दिया था। उसके बाद ये वक्त होगा 7:30 का, मेरे आस पड़ोस के वो घर जहाँ पर मेरे दोस्त रहा करते थे, मैंने दोनों दोस्तों को बुला लिया था, वो भी मेरे साथ मेरे बेडरूम में। मैं उन्हें रेसलिंग के वो कार्ड्स दिखा रहा था, देखो मेरे पास कितने अच्छे अच्छे कार्ड्स हैं, सभी रेसलर्स के हैं। ये महंगे वाले कार्ड्स थे लेकिन उनके पास ये मौजूद नहीं थे। वो खेलना तो चाहते थे लेकिन उनके पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकते थे। मेरे मम्मी पापा के पास अच्छे रुपए थे, इसीलिए हम वहाँ बेडरूम में बैठे हुए वो गेम खेलते जा रहे थे। वक्त 10 बजे का हो गया। हमने वीडियो गेम्स खेली और भी कई गेम्स खेली। उसके बाद हम थोड़ा बोर हो गए थे। हम सबको आदत थी 10 बजे के करीब सोने की। सब मेरे सामने जम्हाइयाँ मारने लगे। उसके बाद रस्टिन भी हमारे बेडरूम में आ गया था। वो कह रहा था यार मैं बहुत बोर हो रहा हूँ, मुझे लगा था अकेले मज़ा आ जाएगा, देखो मैं तुम्हारे साथ यहाँ कुछ देर बैठ सकता हूँ, तुम जो करना चाहते हो कर सकते हो, मैं बस देखता रहूँगा, और गेम खेलने की मुझे भी आदत है तो तुम्हारी गेम मैं खेल सकता हूँ। मैंने मना कर दिया, नहीं नहीं अब हम कुछ अलग खेलना चाहते हैं, अगर तुम्हें भी खेलना है तो हमारे साथ खेलना होगा। रस्टिन भी हमारे सामने बैठ गया था। अब हम 4 लोग थे। पहले तो अलग अलग गेम्स हम खेलते गए, कहानियाँ सुनाने लगे एक दूसरे को भूतों की, लेकिन रस्टिन को जैसे ज़्यादा भयानक वाली कहानियाँ आती थी। वो हम सबको डराता जा रहा था। मेरे दोनों दोस्त एक बार तो इतना ज़्यादा डर गए, कहने लगे थे हम घर जा रहे हैं। तब मैंने रस्टिन को समझाया ये डरपोक हैं, बनते बहादुर हैं लेकिन असल में बहुत ज़्यादा डरपोक हैं, इन्हें ज़्यादा डराया गया तो ये घर भाग जाएंगे। लेकिन इसके बाद मेरे दोनों दोस्त मुझ पर हंसने लगे, अरे हम डरे नहीं थे, तुझे जानबूझकर हम प्रैंक कर रहे थे। इस तरह से हम मस्ती करते रहे 11 बजे तक। उसके बाद मैंने अपने दोस्तों को कहा कि चलो अब रस्टिन को डराते हैं, कुछ अलग सी बात करते हैं। मुझे वो मिडनाइट मैन की बात याद थी, वो गेम के बारे में जिस
बारे में हम स्कूल में बातें किया करते थे, उससे रस्टिन को डराया जा सकता था। उम्र में वो बड़ा था, इसीलिए मैंने बात करनी शुरू कर दी। तुम्हें मिडनाइट मैन के बारे में पता है? रस्टिन कहने लगा, हाँ हाँ मुझे पता है, स्कूल में बच्चे एक दूसरे को डराते हैं। मिडनाइट मैन जो 12 बजे आता है, बहुत ज़्यादा डराता है, मारने की कोशिश भी करता है। फिर रस्टिन कह रहा था, ये बच्चों वाली कहानी है, इससे कुछ होने वाला नहीं। तभी मैं अपने दोस्तों को आंख मार कर कहने लगा, आज हम 12 बजे वही गेम खेलने वाले हैं, तुम डर तो नहीं रहे? रस्टिन कहने लगा, मैं ऐसी घटिया गेम से नहीं डरता, मुझे ज़्यादातर खतरनाक गेम्स खेलना पसंद है। मैं वीडियो गेम्स भी वैसी ही खेलता हूँ जिसमें बहुत ज़्यादा खतरा हो, जैसे आपको डर लगने लगे, लेकिन ये बकवास गेम, इसमें कुछ नहीं होने वाला। मैंने अपने दोस्तों को समझा लिया था, रस्टिन को डराने की पूरी कोशिश की और उसके बाद कहा, 12 बजे हम वो गेम खेलेंगे, उसके बाद देखते हैं क्या होता है, क्या सच में मिडनाइट मैन यहाँ पर आता है। रस्टिन कहने लगा, हाँ हाँ खेलते हैं, देखो तुम बहुत ज़्यादा डर जाओगे, मुझे कुछ नहीं होगा, मैं बड़ा हूँ। हमने रस्टिन को मना लिया। 12 बजे तक हमने पूरी तैयारी कर ली थी, हम वो सारा सामान लेकर आ चुके थे जिससे मिडनाइट मैन वाली वो गेम खेली जाती है, जिसे कहा जाता है द मिडनाइट गेम। हमने वहाँ एक कागज़ रखा था, एक कलम रखी थी, उसी के साथ एक पिन रखी हुई थी। सामने दरवाज़ा था कमरे का, एक तरफ लाइटर रखा हुआ था, 5 कैंडल्स रखी हुई थी। अब इस गेम को खेलने के लिए कागज़ के ऊपर अपना अपना नाम लिखना होता है। हम चारों ने अपना अपना नाम लिख लिया था। 12 बजने में अब भी 15 मिनट का वक्त बाकी था। इसके बाद वो कागज़ को हमने दरवाजे के बाहर रख दिया। उसके बाद घर की जितनी भी लाइट्स थी सारी की सारी बंद कर दी। घुप अंधेरा होना चाहिए, सिर्फ आपको वो कैंडल्स ही जलानी है। वो 5 मोमबत्तियाँ हम जला चुके थे। और फिर दरवाज़ा बंद करने के बाद दरवाजे को 21 बार खटखटाना है 12 बजे से पहले, 22वीं बार तब खटखटाना है जब पूरे 12 बजे। इस तरह से हमने तैयारी कर रखी थी। मैंने रस्टिन के चेहरे पर घबराहट देखी थी, घबराया हुआ मैं भी था, मेरे दोस्त भी घबराए हुए। रस्टिन को डराना था, इसीलिए यह खतरा हम मोल ले रहे थे। हमें यकीन था मिडनाइट मैन ज़रूर आ सकता है, ये सिर्फ कहानियां नहीं हो सकती। लेकिन रस्टिन बार बार कहे जा रहा था, ये कहानियां होती हैं बच्चों को डराने के लिए, तुम बच्चे हो ना, इसीलिए तुम्हें सब डराते हैं, स्कूल में बच्चे बेवकूफियां करते हैं तो डराने के लिए ऐसी कहानियों की बातें की जाती हैं। 12 बजने ही वाले थे, उससे पहले हमने 21 बार खटखटा लिया था, फिर सब घबराए हुए, और 22वीं बार जब मैंने दरवाज़ा खटखटाया, उसके बाद दरवाज़ा खोलना था हमें। हमने दरवाज़ा खोला, मोमबत्तियों को बुझाया, दोबारा मोमबत्तियों को जलाया, फिर दरवाज़ा बंद कर दिया। हम सब ने मोमबत्तियाँ जला रखी थी। अपने पास हमने नमक भी रखा हुआ था, अगर मिडनाइट मैन सामने आ जाए आपकी मोमबत्ती को बुझाने की कोशिश करेगा, आपके पास से गुजरेगा, लेकिन जब तक आपके हाथ में मोमबत्ती है आप जिंदा रहेंगे। लेकिन वो कोशिशें करता रहेगा मोमबत्ती बुझाने की, जब मोमबत्ती बुझ जाएगी अंधेरा हो जाएगा, वो हमला करेगा और मार देगा। दूसरा तरीका बचने का ये है कि खुद को जैसे नमक में चारों तरफ से घेर लो, गोला बना दो नमक का, उसके बीच में बैठे रहो, 3:33 तक आप बचे रहोगे। इसीलिए हमने नमक भी ले लिया था, भले ही बाहर से हम सब कह रहे थे मिडनाइट मैन नहीं होता, वो रात का शैतान नहीं आता, ये कहानियां हैं, अंदर से सबको डर लग रहा था। घर में पूरी तरह से अंधेरा था, मोमबत्तियां हमारे हाथ में, एक मोमबत्ती नीचे पड़ी हुई, 4 हमने जलाई हुई। अचानक वो जो दरवाज़ा था ना, बाहर से किसी ने खटखटाया। वो आवाज़ ने हम चारों को बहुत ज़्यादा डरा दिया था, क्योंकि घर बंद था, वो दरवाज़ा नीचे से हमने लॉक किया था, कोई घर में आ ही नहीं सकता, तो ये बेडरूम के बाहर वाला दरवाज़ा कौन खटखटा सकता है? ऐसा लगा जैसे किसी ने हाथ मारा हो। उसके बाद हम घबराए हुए थे, मोमबत्तियाँ हमने भी जलाई हुई थी। रस्टिन कहने लगा था, कौन है बाहर? ऐसा लग रहा है दरवाजे पर कोई चीज़ एक बार टकराई है, ये खटखटाया नहीं है, कोई चीज़ है जो दरवाजे पर गिरी है, चलो दरवाज़ा खोल कर देखते हैं।
लेकिन मैं इतना ज्यादा डर गया उस आवाज से कि मैं रस्टिन को कहने लगा था, देखो हमने गेम खेलनी थी ना, वो गेम हमने खेल ली, तुम नहीं डर रहे, हम जानते हैं तुम नहीं डर रहे, ऐसा करते हैं दरवाज़ा नहीं खोलेंगे हम लाइट जलाते हैं, हम लाइट जला लेंगे उसके बाद दरवाज़ा फिर खोलेंगे। रस्टिन मान गया था, मेरे दोस्त भी यही कह रहे थे। जैसे ही हम लाइट जलाने के लिए बटन दबाने के लिए गए, बटन हमने दबाए, लाइट नहीं जली। जैसे लाइट चली गई हो, यहाँ लाइट नहीं जाती, अमूमन जो फ्यूज़ होता है वो ही सड़ चुका होता है, कई बार ऐसा होता है। लेकिन अचानक इस समय कैसे हो गया, किसी चीज़ का लोड भी ज़्यादा नहीं था। हमने सारे बटन दबाने की कोशिश की, लाइट नहीं जली थी। खिड़कियों से बाहर झांकने की कोशिश की थी हमने, पर्दे हटा दिए ताकि स्ट्रीट लाइट की वो रोशनी कमरों के अंदर आ पाए, बाहर भी अंधेरा था, जैसे पूरे के पूरे शहर की लाइट चली गई हो। हमें बाहर बिल्कुल अंधेरा नजर आ रहा, कोई घर कोई खंबा कुछ नजर नहीं आ रहा था। हम सहम कर बैठे हुए मोमबत्तियों की तरफ देखे जा रहे। मेरे दोस्तों ने भी मुझे कहा था, लाइट कैसे चली गई, इसी समय लाइट क्यों गई, सच में हम उस गेम में पहुंच तो नहीं गए। रस्टिन पीछे से बोला था, नहीं पहुंचे हैं, देखो मैं मोमबत्ती बुझाता हूं, मुझे कोई डर नहीं लग रहा, कुछ नहीं होने वाला, मैं दरवाज़ा खोलने वाला हूं, देखता हूं बाहर वो आवाज़ किसने की है, या कहूं क्या चीज़ गिरी है। जैसे ही रस्टिन ने वो दरवाज़ा खोला था, रस्टिन को कुछ नजर आया कि वो घबरा कर पीछे गिर गया। जल्दी से उसने मोमबत्ती उठाई और मोमबत्ती जला ली। रस्टिन इन चीज़ों से नहीं डरता था, लेकिन ऐसा उसने क्यों किया, दरवाजे के बाहर क्या है, ये सोचते ही सहरन पैदा हो गई। हम तीनों एक दूसरे को पकड़कर चीखने लगे थे। रस्टिन तभी हमारे करीब आया और कहने लगा, भूत भूत भागो। हम चीखने लगे, रोने लगे। अचानक रस्टिन हंसने लगा और कहने लगा, अरे बेवकूफ बन गए बेवकूफ, दरवाजे के बाहर कुछ नहीं है, और वो जो आवाज़ आई थी ना वो बाहर से नहीं आई थी, मैं दरवाजे के साथ सटा हुआ था ना, तो मैंने पैर मारा था, नीचे से पैर मारा और तुम्हें लगा कोई बाहर आ गया। ये बात सुनते ही हम तीनों रस्टिन पर बहुत ज़्यादा गुस्सा थे। उसके बाद हमने रस्टिन को मारने की कोशिश की। रस्टिन बड़ा था, उसने कहा, मैं देखो मुक्का मारूंगा, चोट लगेगी चेहरे पर, फिर बाद में कहोगे कि माँ बाप को बुलाकर लेकर आएंगे, इसीलिए समझदारी है चुप करके बैठे रहो। मुझे डराने की कोशिश कर रहे थे। उसी समय जान गया था मैंने, जब तुम्हें वो हॉरर स्टोरी सुनाई थी ना, तुम किस तरह से पसीने से तरबतर हो चुके थे, उसके बाद एक दूसरे को आंखें मार रहे थे। सब समझता हूँ, बच्चा नहीं हूँ मैं, बड़ा हो चुका हूँ। अचानक पीछे जो दरवाज़ा खुला था ना, रस्टिन ने हमें डराने के लिए वो तरकीब सी लगाई थी पीछे गिरकर, वो दरवाज़ा धड़ाम करके बंद हुआ। उसके बाद हम चारों कांप गए थे। रस्टिन पीछे देखकर कहने लगा, दरवाज़ा किसने बंद किया। मैंने कहा, रस्टिन देखो चालाकी नहीं, दोबारा मत डराओ। रस्टिन कहने लगा, नहीं डरा रहा, ये मैंने नहीं किया, तुमने कुछ किया मुझे डराने के लिए, देखो मैं नहीं डरने वाला, कोई चीज़ तुमने फंसाई होगी, कुछ किया होगा। मैंने कहा, रस्टिन सोचकर देखो हम क्या कर सकते हैं जिससे दरवाज़ा बंद हो जाए। रस्टिन की समझ में भी कुछ नहीं आ रहा, लेकिन रस्टिन जानबूझकर हंस रहा, मुझे बेवकूफ़ बना रहे हो, डराने की कोशिश कर रहे हो, सब जानता हूँ मैं। मैंने देखा था रस्टिन की टांगें भी कांप रही थी। पहले तो लग रहा था ये रस्टिन ने ही किया होगा हमें डराने के लिए, लेकिन रस्टिन भी कांपता हुआ उसने मेरा हाथ पकड़ लिया था, आगे बढ़ रहा था दरवाज़ा खोलने के लिए। जैसे ही हम दरवाजे के करीब पहुंचे थे, कह सकते हैं कि 4-5 फुट की दूरी पर थे, किसी ने दरवाजे पर हाथ मारा हो ऐसी आवाज़ आई थी, सबकी चीख निकली थी। रस्टिन भी पीछे बेड पर गिर गया था। उसने उसके बाद हमें कहा था, ये किसने किया, कुछ फेंका था। मैंने कहा, रस्टिन तूने पैर मारा ना। रस्टिन ने कहा, 4-5 फुट दूर था मैं दरवाजे के, हम सब इकट्ठे थे ना, अब किसने पैर मारा होगा मुझे नहीं पता, घर में कोई और है, देखो डराऊ मत, मैं हार मानता हूँ, देखो मैं भी हार मानता हूँ, डर मुझे भी लगता है, अब लाइट जलाओ, जो भी तुम कर रहे हो जल्दी से ठीक करो। मैंने कहा, मुझे नहीं पता, तुम्हें भी इस चीज़ के बारे में पता है ना, लाइट्स नहीं चल रही, बाहर भी लाइट नहीं दिख रही, मैं अंदर से बंद कर सकता हूँ, स्ट्रीट लाइट्स मैं थोड़े ना बंद कर सकता हूँ। अब मैंने आंखों में देखा था रस्टिन के, घबराया हुआ चेहरा था वो। इसके बाद हमने मोमबत्तियाँ पकड़ ली थी, फिर दरवाज़ा इकट्ठे खोलने के बारे में सोचा था। धीरे धीरे हम दरवाजे की तरफ बढ़ रहे थे।
दरवाजा खोलने से पहले हिचक थी, हमारे हाथ कांप रहे थे, लेकिन हम रस्टिन के पीछे थे। हम तीनों रस्टिन के पीछे और रस्टिन अकेला आगे। उसकी बाजुएं लंबी थी और एक लंबी बाजू थोड़ी आगे की तरफ करके उसने वो हैंडल घुमाया, दरवाजा बाहर की तरफ खोला। उसने जरा सा हैंडल घुमाकर दरवाजा खोला था, जैसे बाहर से किसी ने धक्का मारा हो। दरवाजा बड़ी जोर से बंद हुआ था और हवा के कारण दो मोमबत्तियां बुझ गई थी। जो रस्टिन की मोमबत्ती थी ना, वो पीछे पड़ी हुई थी, हवा के जरिए वो बंद नहीं हुई थी, जबकि एक मोमबत्ती मैंने हाथ से इस तरह से कवर की हुई कि बुझे ना। फिर भी दो मोमबत्तियां बुझ गई और हम घबरा गए। जल्दी से हमने वो मोमबत्तियां भी जलाई। बाहर कोई नजर तो नहीं आया था, लेकिन ये दरवाजा किसने धक्का देकर ऐसे खोला था? हमारी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। रस्टिन भी घबराया हुआ। फिर रस्टिन कहने लगा, ऐसा करते हैं, नमक का घेरा बनाते हैं। मुझे लग रहा है कुछ ना कुछ तो यहाँ पर है, कोई ना कोई तो यहाँ पर है। हमें अब किसी और चीज़ से डरना नहीं चाहिए। नमक का घेरा बना दो, बीच में बैठे रहेंगे। 3 घंटे की बात है ना, 3:33, अभी तो 5:10 हुए हैं ना। ये 3-3.5 घंटे हम इसी तरह से गुजारेंगे, चुपचाप बैठे रहेंगे, मस्ती करेंगे। चलो नमक का घेरा बना दो, बाद में साफ कर देंगे। हमारे पास नमक का पैकेट था। हमने नमक के पैकेट से एक बड़ा गोला सा बना दिया। उसके बीच में हम बैठे हुए, मोमबत्तियां जलाए हुए। दरवाज़ा खुला था, बाहर कोई नहीं था। अंधेरा बहुत ज़्यादा था, लेकिन हमें पता था किसी ने दरवाज़ा बंद किया है, किसी ने दरवाज़ा खोला है। उस पर जैसे हाथ भी मारा हो, आवाज़ की थी किसी ने, कोई ना कोई हमारे सिवा घर में मौजूद है। अभी 2 मिनट हुए थे हम वहाँ पर बैठे हुए, कोई बात नहीं कर रहे। अचानक बाहर से एक आवाज़ आई। दरवाज़ा तो खुला था, उस अंधेरे में ये आवाज़ कुछ ऐसी थी जैसे कोई कपड़े वाली चीज़ ज़मीन से टकराई हो, या कोई मांस का टुकड़ा ज़मीन से टकराया हो, हल्का हल्का गीला भी होगा। उस आवाज़ ने हमें चौंका दिया था, जैसे कोई बिल्ली घर में घूम रही हो, चीज़ें गिरा रही हो। धीरे धीरे एक जैसी ही आवाज़ करीब से आ रही, धीरे धीरे और करीब हो रही, जैसे कोई चल रहा हो जिसके पांव बड़े बड़े गीले गीले हों। ऐसी आवाज़ धीरे धीरे करीब आती रही और वो मोमबत्तियों की रोशनी में हमें जैसे ही दरवाजे के आगे वो नज़र आया। वो अजीब सा इंसान, आकार इंसान जैसा था, लेकिन जैसे मांस का टुकड़ा हो, मांस के अलग अलग रंग के टुकड़े जुड़े हुए, जैसे चिकन मटन मांस के रंग बिरंगे टुकड़े जुड़कर बना हुआ एक इंसान, कटा हुआ लेकिन फिर भी जुड़ा हुआ। उसकी उंगलियां नहीं थी, पूरा का पूरा हाथ। उसके पांव बतख की तरह बड़े बड़े मांस के टुकड़े। वो कदम आगे बढ़ा रहा और हम चारों चीखे थे। हम चारों की चीख निकली थी क्योंकि उसकी आंखों की जगह जैसे अजीब लाल रंग के बटन से लगे हुए वो हिल रहे, गोल गोल घूम रहे। वो जैसे जैसे कदम आगे बढ़ाता गया, हम डर चुके थे। मेरे दोस्त जैसे पीछे भागे, लेकिन तभी रस्टिन ने खींचकर जैसे उस घेरे के अंदर उन्हें डाल दिया और कहने लगा था, इस नमक के घेरे से बाहर मत निकलना, ये हमें मार डालेगा। पता है ना, नमक के घेरे में ये कुछ नहीं कर सकता। चलता चलता वो आया। अब हम सबकी हालत पतली थी। हम सोच रहे थे ये झूठी गेम है, लेकिन वो सच्ची हो गई। रात के खेल खेले नहीं जाने चाहिए, ये कहा जाता है, लेकिन हम खेलने लगे थे। अब अंजाम भुगतने की बारी थी। वो नमक वाले उस घेरे के पास आया, रुक गया। डरे हुए हम उस घेरे से बाहर पीछे भागना चाहते थे, लेकिन रस्टिन ने रोक रखा था और हमारी सूझबूझ भी काम नहीं आ रही थी। वो कमरे में घूमता जा रहा था, बार बार हमारी तरफ नजर करता। हम घबरा जाते, फिर से मुंह घुमा लेता, चीज़ों को सूंघ रहा, अलग अलग चीज़ों को सूंघता सूंघता कमरे में घूमे जा रहा। और हमने ध्यान दिया, हमारी जो मोमबत्तियाँ थी ना, वो धीरे धीरे जैसे खत्म होती जा रही थी, पिघलती जा रही थी, और ये बात ने हमें डरा दिया। 20 मिनट में हमारी वो जो मोमबत्तियाँ थी ना, आधी से ज़्यादा नीचे पहुँच चुकी थी। ये बात मैंने अपने साथियों को बताई थी, अपने दोस्तों को कहा, मोमबत्ती खत्म हो रही है, क्या हम इस नमक के घेरे में बचे रहेंगे ना? मैंने बस हल्की सी आवाज में अपने दोस्तों को कहा था, रस्टिन को कहा था। सामने खड़ा वो अजीब सा मांस के टुकड़ों से बना इंसान बोल पड़ा था,
होंठ नहीं थे उसके, कटा हुआ मांस का हिस्सा, लेकिन मुंह से बोला, जब मोमबत्ती बुझ जाएगी अंधेरा हो जाएगा, उस अंधेरे में ये जो नमक का घेरा बनाया है, हवा के कारण नमक उड़ जाएगा तो तुम किसी घेरे में नहीं रहोगे। उस समय तुम्हारे साथ क्या हो सकता है, सोचो क्या हो सकता है। रोशनी जैसे ही खत्म होगी वैसे ही मौत का तांडव होगा, तब तक इंतजार करता। वो ये बात कहकर घूमता जा रहा और मैं अपने दोस्तों की तरफ देख रहा, रस्टिन की तरफ देख रहा। रस्टिन ये सच तो नहीं बोल रहा, अगर अंधेरे में हम पहुंच गए क्या ये नमक का घेरा हमें बचाए रखेगा। रस्टिन ने कहा, हाँ मैंने तो यही सुना है, वो नमक के घेरे में खड़े रहो, उसके बाद आप बचे रहोगे। नमक के घेरे के बाहर निकलते ही वो मोमबत्ती बुझाने की कोशिश करता है, अगर 10 सेकंड में मोमबत्ती ना जला पाए तो वो आपको मार देता है। बाहर और भी ज़्यादा खतरा है, लेकिन अगर सच में यहाँ बैठे रहे तो मोमबत्ती वैसे भी खत्म हो जाएगी। उसके बाद अंधेरे में हमारे साथ क्या हो सकता है मैं खुद नहीं बता सकता। हम एक दूसरे की तरफ देखे जा रहे, सामने वो मांस का टुकड़ा हंसे जा रहा था। फिर हमने एक डिसीजन लिया, हमें इस घेरे से बाहर तो निकलना होगा, दूसरे कमरे में जाना होगा। नीचे वो बड़ा बॉक्स है जिसमें मोमबत्तियां ही मोमबत्तियां हैं, 50 से ज़्यादा। हम सभी मोमबत्तियों को यहाँ जलाएंगे, एक एक करके, एक दो जलाते रहेंगे, रोशनी करते रहेंगे, उसके बाद अंधेरा होगा ही नहीं, समय बीत जाएगा। 3:33 जैसे ही हो जाएंगे हम जिंदा बच जाएंगे, तब तक हमें इंतज़ार करना होगा। जल्दी चलो नीचे जाकर मोमबत्तियों के उस बक्से से मोमबत्तियां निकालते हैं। वो घूमता घूमता बाथरूम के अंदर गया, यही हमें मौका लगा था। हम उस गोले से बाहर निकले, जल्दी से बाहर निकले थे तो 2 मोमबत्तियां बुझ चुकी थी। मेरे हाथ में मोमबत्ती थी और रस्टिन के हाथ में मोमबत्ती थी, हमारे 2 दोस्तों के हाथ में मोमबत्तियां नहीं थी, बुझ गई थी। हमने जल्दी से बाहर निकलकर दरवाज़ा बंद करने की कोशिश की, बाथरूम से इतनी तेज़ी से भागा आया, उसने मांस का टुकड़ा जैसे वो दरवाजे के बीच फंसाने की कोशिश की थी, रफ्तार हमारी तेज़ थी, हमने दरवाज़ा बंद कर दिया। 2 मोमबत्तियां बुझ चुकी थी, जल्दी से हमने लाइटर से 10 सेकंड के अंदर वो दोनों मोमबत्तियां जलाईं, रोशनी हो गई। उसने आराम से दरवाज़ा खोला और हमारे करीब आने लगा, फिर हंस कर कहने लगा, बच गए, भागे बड़े तेज थे, मोमबत्तियां सारी बुझ जाती तो फिर मैं दरवाज़ा खुलने का इंतज़ार नहीं करता, सीधा आता, सीधा बहुत करीब। हम पीछे की तरफ कदम बढ़ाने लगे, जब तक मोमबत्तियां जल रही थी वो कोई नुकसान नहीं कर सकता था। हमने धीरे धीरे पीछे की तरफ कदम बढ़ाते हुए सीढ़ियों से नीचे उतरने की कोशिश की, वहाँ सीढ़ियाँ मौजूद नहीं। हम पीछे जाते गए, उस बालकोनी के बिल्कुल पास से निकल रहे, सीढ़ियाँ मौजूद नहीं थी। तभी रस्टिन कहने लगा, सीढ़ियाँ यहीं थी ना, सीढ़ियाँ कहाँ हैं। वहाँ सीढ़ियाँ नहीं थी, एक मोमबत्ती की रोशनी दूर तक नहीं जाती, ऐसा लग रहा था जैसे हम अपने घर में नहीं कहीं और आ गए हैं। हम पीछे की तरफ होते गए, वो अंधेरे में लोप हो चुका था, सामने से नज़र नहीं आ रहा था। हम चलते चलते इधर उधर झांकते हुए मोमबत्तियों की रोशनी हर तरफ करना चाहते थे, अंधेरा कहीं रखना नहीं चाहते थे, डर का माहौल बना हुआ। बहुत पीछे सीढ़ियां नजर आई, इतना चलने के बाद हम सीढ़ियों तक पहुंच पाए थे और सीढ़ियों से नीचे उतरते ही हमें लगा हमें मोमबत्तियों वाला वो बक्सा जल्दी ही मिल जाएगा, किचन के पास वाले उस स्टोर रूम में है ना। सीढ़ियां नीचे उतरते ही हम कहीं और ही थे, सफ़ेद रंग का संगमरमर वाला वो फर्श, इस घर में ऐसा फर्श था ही नहीं। जैसे जैसे आगे बढ़कर हमने देखा पीछे वो सीढ़ियाँ अंधेरे में थी, आगे कुछ नज़र नहीं आ रहा। हमें एक दरवाज़ा सफ़ेद रंग का नज़र आया, जैसे एक गलियारा नज़र आया, किसी होटल का गलियारा लग रहा था, कई कमरे थे। दूर तक अब ये मोमबत्ती की रोशनी जा रही क्योंकि गलियारा छोटा। हमें लगा हम कहीं और आ गए, कहीं और चलो। हम पीछे होने लगे तो सीढ़ियां पीछे मौजूद नहीं, हम कहीं और ही आ गए थे। और ये बात ने हमें बहुत ज़्यादा डरा दिया, वो मोमबत्ती भी धीरे धीरे कम होती जा रही थी और वो आवाज़, उसके चलने की आवाज़
कभी दाईं तरफ से आती, कभी बाईं तरफ से। बचने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था, इसीलिए हमने जल्दी जल्दी चलना शुरू कर दिया। जहां पर भी हमें दीवार पर लगे कोई बटन नजर आते, हम बटन दबाते, लेकिन रोशनी नहीं होती। मोमबत्ती की रोशनी ही हर तरफ थी और उसी रोशनी से हम बच पा रहे थे। एक बार वो हमारे करीब से बड़ी तेजी से निकल कर गया। हम बहुत ज्यादा डर गए, जैसे हमें छूकर ही गया था। तीन मोमबत्तियां बुझ गई थी, उसके बाद सिर्फ एक ही मोमबत्ती जल रही थी। अचानक वो मोमबत्ती मेरे एक दोस्त के हाथ में थी। वो इतना घबराया, मोमबत्ती हाथ से छूट गई, जमीन पर गिरी, बुझ गई। पूरी तरह से घुप अंधेरा, वो घुप अंधेरा और वो आवाजें, उस अजीब से शैतान की आवाजें। तभी रस्टिन कहने लगा, लाइटर जलाओ, लाइटर किसके पास है, लाइटर जलाओ, जल्दी से जलाओ। लाइटर मेरे पास नहीं था, वो तो रस्टिन तुम्हारे पास था ना। मेरे पास कहाँ, किस जेब में था, किस जेब में, जल्दी जल्दी जल्दी। मेरे दोस्त ने जल्दी से लाइटर जलाया, हमने वो मोमबत्तियाँ जल्दी से जला ली थी। तीन मोमबत्तियाँ जलाई और नीचे से मेरा दोस्त जैसे ही मोमबत्ती उठाने वाला था, वो हमारे पाँव के करीब अपने हाथों को ला चुका, जैसे हमें घेरने की कोशिश कर रहा था, हमला करने वाला था। 10 सेकंड से पहले पहले हमने वो मोमबत्तियों को जला लिया था, तभी उस रोशनी ने जैसे उसे दूर कर दिया। वो एकदम से रोशनी में भागा, अंधेरे में लूप हो गया। उसके बाद घबराहट के मारे हमारा बुरा हाल था, मोमबत्तियां बहुत नीचे तक पहुंच गई थी। हमें जल्द से जल्द मोमबत्तियां चाहिए थी, इसके बिना हम बचेंगे नहीं। लेकिन मोमबत्ती जलती गई, नीचे तक पहुंचती गई और हम वहां ढूंढते गए। कई कमरे थे, कमरे ही कमरे, जैसे दरवाजे कमरे। हम एक दो दरवाजों को खोलकर देख भी रहे, खाली कमरे, सारे के सारे खाली, कुछ नहीं था उसमें। लेकिन कुछ कमरे ऐसे थे जिनके पीछे वाले वो दरवाजे, एक ऐसे ही कमरे में अंदर गए हम। उसके बाद पीछे वाला दरवाजा खोला, वो आगे एक और गलियारे में निकलता था, वहां भी कमरे ही कमरे, दरवाजे ही दरवाजे। जैसे ही हम उस गलियारे तक पहुंचे थे, फर्श काला था, चमकीला था, लेकिन कोई भी चीज नहीं थी। हमारी मोमबत्तियां लगभग बुझने वाली, हमारे पास बस एक मोमबत्ती बची थी, जिसे मैंने जल्दी से निकाला और जला लिया। लाइटर भी मेरे पास था, जो मैंने हाथ में पकड़ा हुआ, ऊपर वो मोमबत्ती जलाई हुई थी। तभी रस्टिन ने कहा था, मेरे हाथ में मोमबत्ती है, अब अगर ये मोमबत्ती बुझ गई फिर हम मारे जाएंगे। 3:33 तक नहीं पहुंच पाएंगे, अभी 12:30 से थोड़ा ऊपर का समय तो हुआ है। घड़ी नहीं थी हमारे पास, घड़ी तो कमरे में लगी थी ना, उस कमरे तक पहुंच नहीं पा रहे। नमक वहीं पर था जिसका गोला बनाया हुआ, उस जगह पहुंचना असंभव लग रहा। सीढ़ियां नहीं थी, हम कहीं और ही पहुंच गए थे। उसके बाद वहां हमने देखा, एक कमरे के अंदर मोमबत्तियां ही मोमबत्तियां पड़ी थी। जैसे ही हमने दरवाजा खोला, हम बहुत ज्यादा खुश हो गए थे। मोमबत्तियां, जल्दी से मोमबत्तियां जलाओ। मेरे दो दोस्तों में एक दोस्त जल्दी से भागा मोमबत्तियां उठाने के लिए, वो जल्दी से ज्यादा मोमबत्तियां उठा लेना चाहता था। हम अभी उस कमरे के बाहर ही थे, जल्दी से भागकर वो कमरे के अंदर गया और पीछे से दरवाजा बंद। वो अंधेरे में था, चीख रहा, ये रोशनी बंद कैसे हो गई। हम वो कमरे के बाहर थे, दरवाजा खटखटा रहे, जल्दी से दरवाजा खटखटा रहे। हम कह रहे, दरवाजा खोल, दरवाजा बंद कैसे हो गया। वो कह रहा, दरवाजा मुझे नहीं पता, दरवाजा खोलो, मेरे हाथ में मोमबत्तियां हैं, जल्दी से जलाना है। मैंने कहा, जल्दी से मोमबत्ती जलाना, 10 सेकंड हो जाएंगे, अंधेरा हो चुका है, जल्दी जला। उसने कहा, मेरे हाथ में लाइटर नहीं है, मेरे पास लाइटर नहीं है। लाइटर तो रस्टिन के पास था, मेरे पास भी था, मेरे एक दोस्त के पास भी था, लेकिन उस दोस्त के पास नहीं था जो आगे गया था वो मोमबत्तियां उठाने के लिए। यह बात जैसे ही दिमाग में घूमी, हम उस दरवाजे पर कंधा मार रहे, धक्के मार रहे। हम जल्दी से उस दरवाजे को खोलना चाहते थे, लेकिन वो दरवाजा खुला नहीं। पहले तो हमारे दोस्त की आवाज आ रही थी, उसके बाद उसकी आवाज नहीं आई, वो चीख रहा था। जैसे बाद में उसकी आवाज बिल्कुल धीमी हो गई, जैसे वो कहीं और चला गया हो। वो आवाज आती रही, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, फिर एकदम सन्नाटा। वो दरवाजा खुला, उसके बाद हमने अंदर देखा, कोई मोमबत्ती नहीं थी, जैसे सारी मोमबत्तियां गायब हो चुकी थी। खाली कमरा था, हम कमरे में अपने दोस्त को ढूंढ रहे,
सामने एक और दरवाजा था। भागकर हमने वो दरवाजा खोला। हम फिर से गलियारे में पहुंच गए थे। उसके बाद कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही। मैं अपने दोस्त को नाम से बुलाया जा रहा। हम सब चीखे मार रहे। एक ही तो मोमबत्ती थी हमारे पास। हम उसके इर्द गिर्द ही थे, दूर नहीं जा सकते थे। हम चीखे मारते रहे। हमारा दोस्त नहीं मिला। हम उस गलियारे में एक एक कमरे को खोल खोल कर, उसके दरवाजे खोल खोल कर अपने दोस्त को आवाजें लगा रहे, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। कहाँ गया वो, हमें उसके बारे में पता तक नहीं था। फिर सामने एक कमरे के अंदर से आवाज आने लगी हमारे दोस्त की, मुझे बचाओ, मैं यहीं पर हूं, मैं उससे बच गया हूं, जल्दी आओ जल्दी आओ। हम भागते हुए आगे की तरफ निकलने लगे। वो कहने लगा, दरवाजा बंद हो रहा है, भागो जल्दी खोलो। वो गलियारे के बहुत पीछे वाला एक कमरा नजर आ रहा था। भागते भागते जा रहे, हमारी मोमबत्ती बुझ गई। जैसे ही मोमबत्ती बुझी, हम जल्दी से उसे जलाना चाहते थे, लेकिन एक साथ एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए आगे भागे भी जा रहे। 5-6 सेकंड उसी में गुजर गए थे। जहां से आवाज आ रही, हम उसके करीब थे। जैसे ही मैंने वो मोमबत्ती आगे की, रस्टिन ने लाइटर से मोमबत्ती जलाई, वहां वो कमरा खुला था। उसके सामने वो टुकड़े से जुड़ा हुआ मांस वाला अजीब सा शैतान हमारे दोस्त की आवाज में कह रहा, जल्दी से आओ आओ। अरे मोमबत्ती तो जला ली तुमने, मोमबत्ती तो जला ली। रोशनी जब उस पर पड़ी, बस इतना कहकर वहां से बड़ी जल्दी जल्दी पीछे वाला दरवाजा खोलकर वो भाग गया। हम उसी जगह से अंदर वो दरवाजा खोलकर आगे गए थे कि हमारा दोस्त यहीं था। शायद ये हमारे दोस्त की आवाज लगा रहा था, लेकिन वो कहाँ गया किसी को नहीं पता। हमारा दोस्त कहाँ गया किसी को नहीं पता। हम तीनों एक दूसरे का हाथ पकड़े घबराए हुए, क्योंकि जो हाथ में मोमबत्ती थी ना, वो भी थोड़ी थोड़ी जलने लगी थी, छोटी होने लगी थी। 1 बजे से 1:15 बजे का समय होगा ये। हमें सही से समय के बारे में पता भी नहीं लग रहा था, क्योंकि घड़ी मौजूद नहीं थी वहां पर। लेकिन हमें इतना पता था, 3:33 तक ये मोमबत्ती चलने वाली नहीं। हमें जो करना है जल्दी करना है। रस्टिन तब कहने लगा था, हमें उसे ढूंढना होगा ना, वो हमारे घर में आया था, उसके माँ बाप पूछेंगे, हमें खुद को भी बचाना है, उसे भी बचाना है, उसे ढूंढना होगा, कहाँ गया, अगर कोई अंधेरे में हो तो वो क्या करता है, क्या मार देता है। हम तीनों एक दूसरे की तरफ देख रहे। जवाब हम तीनों को पता था, लेकिन बताना कोई नहीं चाहता था। वो आस जो हमारे अंदर जरा सी रह गई थी, हम उसी के सहारे बचना चाहते थे, लेकिन कैसे हमें वो पता नहीं था। रस्टिन ने कहा, आगे बढ़ते रहना होगा, हमें कुछ ना कुछ तो मिलेगा ना, बाहर निकलने का कोई रास्ता या कोई चीज, कुछ ना कुछ। हमें नमक को ढूंढना है, मोमबत्ती को ढूंढना है, ये चीजों को ढूंढने के बाद ही हम बच सकते हैं, जल्दी करो। इसके बाद हम आगे बढ़ते रहे। कई कमरे खाली थे, कई कमरे में जैसे बहुत ज्यादा कपड़े, वो गंदे पुराने कपड़े, कुछ खून से सने हुए ऐसे कपड़े और सड़ा हुआ मांस, सड़े हुए चमड़े, ऐसी चीजें हमें मिल रही। जबकि एक कमरे में हमें बहुत सारी लकड़ियां मिली थी। ऐसा लग रहा था ये लकड़ियों से तलवारें बनाई गई हों, भाले बनाए गए हों, लेकिन नकली लकड़ी के आकार के। वहां अलग कमरों में अलग अजीबोगरीब सामान पड़ा हुआ। ये जो गलियारा था ना, इसका अंत नहीं हो रहा था। हर कमरे के अंदर एक दरवाजा, उस दरवाजे को खोलते ही हम अलग जगह पहुंच जाते, एक नए गलियारे में। इस तरह कमरों के बीच से हम निकलते जा रहे। मोमबत्ती आधे से भी कम रह गई थी। समय बहुत कम था, शायद ये 2 बजने वाले होंगे। हमें पता था ज्यादा समय हम बिता नहीं पाएंगे, जल्दी से हमें मोमबत्ती या नमक ढूंढना है। तभी हमें प्रेशर कुकर की आवाज आई। ये प्रेशर कुकर और कुछ बर्तनों की आवाज। हम तीनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और यही कहा, ये तो किचन से आ रही आवाज है ना, प्रेशर कुकर की। जैसे आसपास कहीं किचन भी होगा, अगर कमरे बने हैं कोई किचन भी होगा, और किचन में चीजें भी होंगी, शायद वहां नमक मिल जाए और मोमबत्ती भी मिल सकती है। हमें इस आवाज का पीछा करना चाहिए। हमने उस आवाज का पीछा करना शुरू किया। वो गलियारे से गूंजती हुई आवाज दूर से आ रही थी, लेकिन हम उन गलियारों से निकलते हुए खुले वो दरवाजे, उनके पास से वो दरवाजों को खोलते खोलते आवाज के बहुत करीब पहुंचे थे। तभी हमें सुनाई दी
वो आवाज काफी करीब से आ रही है। एक कमरे का दरवाजा, उसके पीछे से वो प्रेशर कुकर की आवाज आ रही थी। हमने वो दरवाजे को खोलना सही समझा। जैसे ही दरवाजे को खोला, वो सच में किचन थी, जैसे बड़ी सी ओपन किचन, और वहां कई डिब्बे जिनमें अलग अलग चीजें थी, मसाले थे, खाना बनाने वाली वो चीजें। हम उन बर्तनों को खोल खोल कर देखने लगे, आखिर उसमें कहीं ना कहीं हमें नमक मिल जाए, या जलाने के लिए मोमबत्ती मिल जाए, या कुछ और मिल जाए जलाने के लिए, ताकि हम रोशनी कर पाए। प्रेशर कुकर गैस के ऊपर रखा हुआ तो था, गैस चल नहीं रही थी। नीचे हमने पाइप देखी तो पाइप किसी गैस पाइपलाइन से नहीं जुड़ी थी, ना गैस सिलेंडर नीचे पड़ा था, जैसे खाली। और वो गर्म प्रेशर कुकर बार बार सीटियां मारे जा रहा था। हमें काम की चीज नहीं मिल रही थी, और मोमबत्ती हमने एक तरफ रखी हुई जिससे यहाँ रोशनी हुई हुई थी। डब्बों को खोले जा रहे, सामान को बिखेरे जा रहे, वहां बहुत सारी चीजें मिली, लेकिन नमक या मोमबत्ती हमें नहीं मिली, ना जलाने वाली कोई और चीज। अचानक वहां अंधेरा हो गया, हमें नहीं पता था। जल्दी से हम डिब्बे खोल रहे और अंधेरा हो गया, मोमबत्ती बुझा दी गई थी। जल्दी से मैं अपनी जेब से लाइटर निकाल कर जलाना चाहता था, जबकि रस्टिन भी कह रहा, लाइटर जलाओ, मोमबत्ती किस तरफ थी, कहाँ रखी थी। मैंने कहा, मुझे नहीं पता रस्टिन, तुमने रखी थी। जल्दी से हम इधर उधर झांकने लगे, लाइटर जलाया और पीछे मोमबत्ती पड़ी। जैसे ही मोमबत्ती हमने जलाई, रोशनी हो गई थी, और सामने वाले सिंक पर बैठा हुआ मांस से बना हुआ वो शैतान मुस्कुराते हुए, बच गए, बड़े करीब से बचे हो, लेकिन फिर भी बच गए। मोमबत्ती तो काफी छोटी रह गई है, समय तो कम है तुम्हारे पास, मिलता हूं जल्द ही, ये कहकर वो पीछे की तरफ भागा। वो निकल चुका था वहां से, लेकिन हमारी सांस रुकी हुई, बहुत करीब था वो हमें मारने के। अगर मोमबत्ती हम 10 सेकंड में ना जला पाते, मौत के घाट उतार दिए जाते। अब हम वहां से आगे बढ़े, काम की चीज वहां नहीं थी, शायद हमें फंसाया जा रहा था। हम कई कमरों में खंगालते गए। एक कमरा हमें ऐसा नजर आया जिसमें लगी थी खिड़की, वो खिड़की के बाहर देखा जा सकता था, आसपास घास नजर आ रही, जैसे यहां से बाहर निकलने का रास्ता, लेकिन वो खिड़की बहुत छोटी थी, वहां से निकलना मुश्किल भरा था। और मोमबत्ती सिर्फ एक, अगर मोमबत्ती हम अंदर जलाते बाहर अंधेरा होता, अगर मोमबत्ती बाहर लेकर जाते तो अंदर अंधेरा होता, और तीनों उस खिड़की से एक साथ बाहर निकल नहीं सकते थे। हम तीनों ने एक दूसरे की तरफ देखकर कहा था, क्या हमें ये कोशिश करनी चाहिए, मोमबत्ती जल्द ही बुझ जाएगी, 20 से 25 मिनट है हमारे पास, उससे पहले हमें डिसीजन लेना होगा, हमें क्या करना है, आग चाहिए हमें और मोमबत्ती बुझने वाली है, क्या करें। मेरे दोस्त ने कहा था, बाहर चलते हैं, बाहर जाना सही होगा, बाहर जाकर ही हम बच सकते हैं, यहाँ वो हमारा शिकार करेगा, वैसे भी मिडनाइट गेम में ये रूल है ना कि हमें घर के अंदर रहना है, हम घर के अंदर रहेंगे, वो हमारा शिकार करने की कोशिश करेगा, मोमबत्ती नमक सब कुछ घर के अंदर, लेकिन अगर हम बाहर निकल जाएं, ये तो घास है ना, बाहर वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, जल्दी चलो, ये तो बचने का अच्छा तरीका है ना, मोमबत्ती बीच में रखेंगे, बिल्कुल बीच में खिड़की के, तब हम बाहर निकलेंगे। मेरा वो दोस्त थोड़ा पतला था, उसने कहा सबसे पहले मैं जाऊंगा, वो डरा हुआ था, क्योंकि वो मांस का टुकड़ा, वो शैतान इस कमरे के बाहर चलता चलता कह रहा, समय कम है, कर दो मुझे अर्पण, जल्दी से अपनी जिंदगी अर्पण कर दो मुझे। मेरा वो दोस्त इतना ज्यादा डर गया, खिड़की खोलकर सीधा बाहर। उसके बाद हमने उस खिड़की के बिल्कुल बीच में वो मोमबत्ती रखी थी, लेकिन जैसे ही वो बाहर गया, वो रोशनी थोड़ी बहुत ही हो सकती थी ना, कमरे में तो ज्यादा नजर आती, बाहर तो बहुत कम। अचानक जैसे उसे कोई खींच कर वो घास के पीछे ले गया, बहुत अंधेरे में वो चीख रहा था, बचाने की गुहार लगा रहा, लेकिन हम उसे कैसे बचाते, खिड़की से निकलना मुश्किल था, और ऐसी हालत देखकर हम भी ये कोशिश करना नहीं चाहते थे। हम दोनों वहीं रुके रहे, रस्टिन मेरी तरफ देख रहा, मैं रस्टिन की तरफ, रो रहे थे हम दोनों, लेकिन हम कर कुछ नहीं सकते थे। वो खिड़की से दूर भागे, क्योंकि एक हाथ रस्टिन को पकड़ चुका था, रस्टिन ने झटका देकर अपने हाथ को बचाया था,
उसके बाद उस कमरे से हम बाहर निकले, थोड़ा आगे निकले डरे हुए। वह कमरे को हम देखे जा रहे थे, अचानक किसी ने जैसे मोमबत्ती बुझा दी। मोमबत्ती को हम जलाने के लिए जल्दी से लाइटर जला रहे थे। जैसे ही लाइटर जलाया, मोमबत्ती जली जो कि थोड़ी सी रह गई थी। सामने वो दरवाजा मौजूद नहीं था, दीवारें ही दीवारें, गलियारे में चारों तरफ दीवारें थी। हम उस दरवाजे को ढूंढ रहे, हमारा वो दोस्त अब कहाँ गया? दरवाजे नहीं, बहुत आगे दरवाजे थे। हम भागकर उस गलियारे तक पहुंचे। अब ये गलियारा बड़ा सा, और यहाँ जो पेंट लगा हुआ उखड़ा हुआ, सीलन बहुत ज्यादा, जो नीचे फर्श था ना, उस पर गंदे गंदे खून के निशान बने हुए। भयानक सी जगह थी, डरावनी से डरावनी होती जा रही थी। हमने भागना शुरू कर दिया, मोमबत्ती बहुत कम रह गई थी। जानते थे हम मौत करीब है। इसके बाद जैसे ही मोमबत्ती बुझने वाली हुई, वो फड़फड़ाने लगी। हमने अपने अपने लाइटर को जला लिया। हम अगर मोमबत्ती नहीं जला सकते, लाइटर तो जला सकते हैं ना, आग जला कर रखनी है, आग जला कर रखनी है। हम दोनों के पास एक एक लाइटर था, हमने वो लाइटर जलाया। उसके बाद थोड़ी बहुत रोशनी हुई। हम दोनों एक दूसरे से पीठ सटाकर वो लाइटर को जलाए हुए थे, ताकि दोनों तरफ रोशनी रहे। हम गोल गोल भी घूमे जा रहे थे। भले ही लाइटर की वो आग को बुझाना आसान नहीं था, लेकिन फिर भी हम खतरे में थे। उसकी रोशनी बहुत कम थी, और वो आवाज़ जो करीब से आ रही अब मौत नज़दीक है, समय कम है, कितनी देर बच पाओगे? अब बचना नामुमकिन है, मुझसे कोई नहीं बच पाया है। खेल खेलना चाहते थे तो खेल खेल रहे हो, जीतना और हारना तुम्हारे हाथ में नहीं, मेरे हाथ में है। अचानक ही वो लाइटर की आग जरा सी थी, पता नहीं कैसे रस्टिन की वो लाइटर वाली आग बुझ गई। अचानक रस्टिन चीखने लगा, लाइटर जल नहीं रहा, लाइटर जल नहीं रहा। मैं जैसे ही उसकी तरफ घूमा था, जरा सी रोशनी उस पर पड़ी और रस्टिन को कोई खींच कर ले गया। लेकिन वो खींचने का तरीका अजीब था। मैंने देखा दो हाथ थे, एक सर पर एक धड़ पर। रस्टिन चीख रहा था, आंखों के सामने सर को अलग खींचा गया, धड़ को अलग, दूर दूर सर धड़ से अलग हो गया था। पीछे खींचती हुई दो बाजू ले गई अलग अलग दिशा में। मेरे सामने जो खून के छींटे पड़े थे वो रस्टिन के थे, मेरे हाथ में लाइटर। मुझे पता था बचना नामुमकिन है। मैं भागने लगा, तेजी से भागने लगा। बार बार वो लाइटर बुझता, लेकिन मैं हाथ से जलाता रहता। इस तरह से मैं एक कमरे में पहुंचा था, खाली कमरा। उसका दरवाजा खोला गलियारे में, फिर एक कमरे में गलियारे में। कोई मेरा पीछा कर रहा था, मैं मरने वाला था, मुझे पता था। मैं एक ऐसे कमरे में पहुंचा जहां कपड़े पड़े थे, कई कपड़े, आसपास कुछ लकड़ियों के हिस्से पड़े हुए। तभी मुझे लगा मुझे बचना होगा। मैंने अचानक सोचा था रोशनी से वो डरता है, मोमबत्ती की रोशनी हो या लाइटर की, आग से डरता है। मैंने उन कपड़ों को जल्दी से आग लगाई थी। एक कपड़े को मैं आग जला रहा जिससे काफी ज्यादा रोशनी हो गई, वो करीब था मेरे। अचानक भागा काफी दूर की तरफ। मैंने उसके बाद बाकी कपड़ों को भी आग लगाई, कपड़े के उस ढेर को आग लगा डाली थी, पास की लकड़ियों को, दीवार को भी आग लगने लगी। दीवारें लकड़ी की थी, दरवाजे के पास भी वो कपड़े फेंके जो जल रहे थे, वो दरवाजे को भी आग लग गई। दीवार भी धू धू करके जल रही थी, और एक कमरे से दूसरे कमरे को आग ऐसे लग रही जैसे ये पूरा का पूरा इलाका, पूरा घर, क्या है जो भी चीज़ लकड़ी की बनी हो, जल रही। जैसे जैसे वो इलाका जलता गया, उसकी चीखें सुनाई दे रही। लेकिन मेरा बचना भी बहुत मुश्किल था। आँख की रोशनी हर तरफ थी, दूर दूर दिख रहा, जैसे इस गलियारे का अंत ही ना हो, दरवाजे वाले ये कमरे इनका अंत ही ना हो। वो 2:30 बजे से ऊपर का समय होगा। आग ऐसे लगी हुई चारों तरफ, बचने के लिए मुझे आग से दूर जाना पड़ रहा। आग हर तरफ लगी हुई, ऊपर से नीचे छेद हुए, नीचे भी कितनी मंजिलें थी मैं नहीं जानता, लेकिन मुझे नीचे सैकड़ों फुट नीचे नजर आ रहा, जैसे नीचे वाले कमरों को भी आग लगी हुई हो। आसमान की तरफ भी मैं देख रहा, ये जैसे कोई बहुत बड़ी अनंत इमारत थी, बहुत लंबी,
बहुत चौड़ी, कमरे ही कमरे, कमरे ही कमरे। मैं उसमें, आग से धू धू जल रही पूरी इमारत। इस तरह 3:33 का समय हुआ था, वो मुझे नुकसान नहीं पहुंचा पाया। चारों तरफ आग लगी थी और अचानक 3:33 पर वो आग बुझ गई, बिल्कुल सन्नाटा। मैं अपने कमरे में था, उठकर जल्दी से मैंने बटन दबाए, रोशनी हुई, वहां सारी लाइट चल गई थी। नीचे वो नमक पड़ा हुआ, वो गोला। लेकिन मेरे दोस्त और रस्टिन घर में नहीं थे। ढूंढा मैंने पूरे घर में, मुझे वो नहीं मिल रहे थे। पूरी रात ढूंढा था मैंने, और अगले दिन मैं गया था पड़ोसियों के पास, इस घटना के बारे में बता रहा। वो यकीन नहीं कर रहे, हंस रहे थे कि मैं प्रैंक कर रहा हूँ। लेकिन जब शाम तक वो दोनों घर नहीं आए, और मेरे माँ बाप भी शाम को जब घर आए, रस्टिन के बारे में पूछ रहे, मेरे चाचा जी पूछ रहे थे, मैं वो कहानी बता रहा और वो कह रहे मजाक मत करो, जल्दी बताओ, वो नहीं मिले। उसके बाद मैं ये कहानी बताता रहा हर किसी को, कोई यकीन नहीं कर रहा। वो कहाँ गए आज तक पता नहीं लगा। रस्टिन मेरी आंखों के सामने मरा था, लेकिन मेरे माँ बाप कहते हैं ये बात मत बोलो कि वो मरा है, वो कहीं गया है, शायद कहीं चला गया है। वो घर छोड़कर चला गया होगा, जिद्दी था ना, उसे ढूंढा नहीं जा सका, ना मेरे दोस्तों को। आज तक तलाश जारी है, पुलिस मुझसे पूछताछ करती है। रात को कोई घर पर आया था, मैं कहता हूं घर पर वो आया था, द मिडनाइट मैन हमें ले गया था कहीं और, मैं बच गया आग जलाकर, वो बच नहीं पाए। कोई यकीन नहीं करता। यह भयानक खेल की कहानियां स्कूल में बहुत ज्यादा सुनाई जाने लगी, और मुझे हर कोई मिलने से डरने लगा। मैं वो था जो मिडनाइट मैन के हाथों बचा था, वो खुशकिस्मत इंसान जिससे कोई बच नहीं पाता। मेरे जैसे खुशकिस्मत ही बीच बीच में बचते हैं, बाकी गायब हो जाते हैं, मर जाते हैं या बचे रहते हैं, पता नहीं। लेकिन ये खेल आज भी बच्चों को डराने के लिए सुनाया जाता है, जिसे झूठी कहानी समझा जाता है। ये एक सच है, कभी रात के 12 बजे ये खेल खेलने की कोशिश मत कीजिएगा। इसे कहा जाता है द मिडनाइट गेम, जिसमें आता है द मिडनाइट मैन, वो रात का शैतान।